वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट। आज हम जो है मात्रक तथा विमा के बारे में समझने वाले हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? एसआई मात्रक, एसआई मात्रक होते हैं तीन प्रकार के। हालांकि ये दो ही माने जाते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे तीन तक तीन, ठीक है। दूसरे मात्रक को भी हम साथ दे देते हैं। तो आपका होता है आधारी मात्रक, पहला होता है आधारी मात्रक, आधारी मात्रक या मूल मात्रक। क्या कह सकते हैं? आधारी मात्रक या मूल मात्रक, ठीक है। ये आपके जो है पहला क्या है, आधारी मात्रक या मूल मात्रक होते हैं। और ये जो है आधारी मात्रक सात होते हैं। कितने होते हैं? सात होते हैं। और दूसरा हम लेते हैं क्या, संपूरक मात्रक। क्या होता है? संपूरक, संपूरक मात्रक, ये आपके जो है दो होते हैं। इसके बाद आधारी मात्रक की सहायता से बनते हैं द्युत्पन्न मात्रक। क्या बनते हैं? द्युत्पन्न मात्रक को बनाया जाता है। किसके सहायता से? आधारी मात्रक की सहायता से द्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। हालांकि हम एसआई मात्रक दो ही लेते हैं। क्या मानते हैं? दो ही होते हैं, आधारी मात्रक और संपूरक मात्रक होते हैं। तो ये तीसरा हम इसको भी ले सकते हैं कि आपका कितने हैं, द्युत्पन्न मात्रक जो बनाते हैं, अब जितना ये बन जाए, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि आधारी मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो आपके सात आधारी मात्रक होते हैं। आधारी मात्रक में हम नोट करेंगे राशि, नंबर कौन सा है, नंबर नोट करेंगे, क्रम क्या है, और राशि क्या है, राशि नोट करेंगे। राशि के बाद हम जो है मात्रक को नोट करेंगे। मात्रक के बाद हम लोग संकेत क्या है उसका, संकेत, संकेत के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बीमा के बारे में, क्या इसका बीमा है। स्टार्टिंग से जब आधारी मात्रक का बीमा आपको पता होगा तो आप लोग द्युत्पन्न मात्रक के सारे बीमाओं को निकालेंगे। चलिए हम लोग पहले देखते हैं क्रम में। पहला नंबर हमारा क्या है, पहले क्रम में है लंबाई। क्या है? लंबाई। तो लंबाई को आप किससे मापते हैं? मीटर से। किससे मापा जाता है? मीटर से। लंबाई को मापते हैं मीटर से। और इसका संकेत क्या होता है? यम। संकेत क्या होता है? यम होता है, मीटर, ठीक है। संकेत होता है यम, ठीक है। और लंबाई यानी कि लंबाई का इंग्लिश होता है लेंथ, यानी लंबाई लेंथ है। इसका बीमा क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा, बीमा हो जाएगा यल। इसके बाद हम लेते हैं दूसरा। तो दूसरा आपका होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान आपका दूसरा होता है। तो द्रव्यमान को आप किसे मापते हैं? किग्रा से, यानी कि किलोग्राम। किसे मापेंगे? किलोग्राम से। और इसका जो है संकेत होगा केजी, यानी कि द्रव्यमान यानी कि मास। द्रव्यमान मतलब मास, मास यानी कि एम। इसका बीमा क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा। इसके बाद हम लेते हैं तीसरा नंबर समय। क्या होता है? समय, ठीक है। तो समय को आप किसे मापते हैं? सेकेंड से। किसे? सेकेंड से। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। सेकेंड यानी कि संकेत क्या हो जाएगा? एस। संकेत जब इसका एस होगा यानी कि समय, सेकेंड से किसको मापते हैं? टाइम को। तो जब समय को टाइम से मापते हैं, मतलब सेकेंड से मापते हैं, तो टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइम यानी टाइम समय यानी कि टी। दीवा क्या हो जाएगा? टी। इसके बाद हमारा चौथा क्या है? चौथा है तापमान। तापमान तो टेम्परेचर है कि टेम्परेचर। तापमान हम किसे मापेंगे? कैंडेला से। तापमान हम किसे मापेंगे? केल्विन से। तापमान केल्विन से। कैसे मापेंगे? केल्विन से।
तापमान को हम किसे मापते हैं? कैल्विन से। तापमान को मापेंगे कैल्विन से और इसका संकेत हो जाएगा के। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैल्विन और इसका बीमा भी क्या हो जाएगा के। इसके बाद हम लोग पांचवा लेते हैं विद्युत धारा। पांचवा क्या है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और इसे हम आई से संकेत करते हैं और इसका जो है बीमा होता है ए। इसका बीमा क्या होता है? ए हो जाता है और ए भी लिख सकते हैं इसका भी और संकेत भी इसका ए लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं। ये दोनों चीजें एक साथ लिख सकते हैं। उसके बाद होता है छठवां। छठवां होता है ज्योति तीव्रता लुमिनस। ज्योति तीव्रता ज्योति तीव्रता इसको मापते हैं कैंडेला से। किसे मापते हैं? कैंडेला से। कैंडेला इसका संकेत हो जाएगा सीडी और इसको हम लिख सकते हैं सीडी बी लिख सकते हैं सी सीडी ही लिख सकते हैं लिख सी लिख सकते हैं। ठीक है क्या इसका संकेत इसका बीमा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और सातवां नंबर इसका क्या होता है? सातवां नंबर होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा में किसे मापते हैं? मोल से। किससे? मोल से। और इसका बीमा क्या हो जाएगा? इसका संकेत क्या हो जाएगा? मोल। ठीक है और बीमा क्या हो जाएगा? इसका बीमा होता है यल। यानी कि ये हमारे जो है मूल मात्रक है, आधारी मात्रक है। क्या है? आधारी मात्रक है और ये कितने हैं? सात हैं। और इसका बीमा देखिए, बीमा क्या क्या हमें निकाले हैं? राशि क्या है, मात्रक क्या है, संकेत क्या है और बीमा क्या है। ये बीमा जो है आपको अच्छे से याद करना, मतलब याद तो सब करना होगा आपको अच्छे से और इन्हीं के सहायता से हम बनाएंगे व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है अब हम लोग देखते हैं संपूरक मात्रक। ये दो होते हैं, पहला होता है कोण और इसे मापते हैं कोण को रेडियन से। किससे मापते हैं? रेडियन से। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन। दूसरा होता है घन कोण। क्या हो जाएगा? घन कोण। तो घन कोण किससे मापेंगे? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? स्टे रेडियन। क्या हो जाएगा? स्टे रेडियन। क्या हो जाएगा? स्टे रेडियन। ये है हमारे जो है एसआई मात्रक, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल जो है एसआई का फुल फॉर्म होता है। ये आधारी मात्रक होते हैं जो सात होते हैं। आप इस तरह से जो सात होते हैं और इनको याद करना आपको जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये चीजें आपको याद हो जाएंगी तो व्युत्पन्न मात्रक निकालने में काफी आसानी हो जाएगी और इसका बीमा भी निकालने में। तो ये मेरा रहा पार्ट वन। क्या था ये? पार्ट वन, यानी कि मात्रक तथा बीमा निकालने का पार्ट वन था। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट टू, जिनमें हम लोग निकालेंगे व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक को निकालेंगे किसके सहायता से बनाएंगे? आधारी मात्रक के सहायता से हम लोग बनाएंगे। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे रास, उसका सूत्र पढ़ेंगे, सूत्र के बाद उसका मात्रक पढ़ेंगे, मात्रक के बाद उसके बीमा। ये चार चीजें जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं किसमें? व्युत्पन्न मात्रक के लिए। ठीक है तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वेट करिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। धन्यवाद।